तो जी हाँ, जय हिंद भाई, सबको स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल में। तो अगर आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें साइंस पूछा जाता है तो ये वीडियो आपके लिए है, खासकर उत्तराखंड एलटी और वन दरोगा की जो भर्ती आई हुई है उसके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, 20 एमसीक्यू हम देखेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है। लाफिंग गैस का नाम पूछना चाह रहा है ये। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए नाइट्रस ऑक्साइड, इसका राइट आंसर है और फॉर्मूला होता है NO। क्वेश्चन नंबर टू, देखिए सामने दृष्टि के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पूछ रहा है मानव नेत्र के लिए, ये होती है 25 सेंटीमीटर। अगर अधिकतम दूरी पूछता तो अधिकतम दूरी जो है अनंत होती है, ठीक है। स्पष्ट न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, अधिकतम कितनी होती है? अनंत होती है, इन्फिनिटी होती है। क्वेश्चन नंबर थ्री, देखिए सिस्मोग्राफ द्वारा किन तरंगों का अध्ययन किया जाता है। तो सिस्मोग्राफ भूकंप के बारे में पता करते हैं और भूकंप में कौन सी तरंगे आती है, भूकंपीय तरंगे। तो सिस्मोग्राफ द्वारा हम भूकंपीय तरंगों का जो है अध्ययन करते हैं, मापन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तांबे का रासायनिक लवण नीला थोता किसे कहा जाता है, वो क्या है? तो इसका आंसर है सल्फेट। कॉपर सल्फेट को CuSO4 को तांबे का नीला थोता कहते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कॉपर सल्फेट यानी सल्फेट। क्वेश्चन नंबर फाइव, पागल कुत्ते के काटने से जो रोग रेबीज होता है, बोलना चाह रहा कि मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है। तो इसका आंसर है तंत्रिका तंत्र। किसको प्रभावित करता है? तंत्रिका तंत्र को, तंत्रिका नर्वस सिस्टम को, इंग्लिश में इसे नर्वस सिस्टम बोलते हैं। यानी कुत्ते के काटने से रोग होता है, जिसे हम रेबीज बोलते हैं, वो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, सीधी सी बात, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु मिश्र धातु नहीं है। मिश्र धातु नहीं है, इसका ऑप्शन तो टंगस्टन है राइट आंसर। मिश्र धातु क्या आते हैं वो सुनिए। मिश्र धातुएं वे धातुएं होती हैं जो दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण से बनी हुई होती हैं। तो इनमें से पीतल और कांसा दोनों मिश्र धातु होती है, लेकिन टंगस्टन एक प्योर मेटल होता है, इसका जो है ये राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से हम किसी वायुमंडल की आर्द्रता को, ह्यूमिडिटी को मापते हैं। कोई पूछे कि ह्यूमिडिटी को मापने के लिए किसका यूज करते हैं, तो आपका आंसर होगा जो है हाइग्रोमीटर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर एट, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक तत्व रेडियोधर्मी नहीं है। रेडियोधर्मी मतलब रेडियो एक्टिव कौन नहीं है? कैडमियम नहीं है, बाकी तीनों के तीनों रेडियो एक्टिव है, रेडियोधर्मी है। क्या होते हैं रेडियोधर्मी, रेडियो एक्टिव, बताइए मुझे फटाफट। रेडियो एक्टिव मतलब वो तत्व जिनसे अल्फा बीटा और गामा किरणें निकलती रहती हैं, जिनमें अल्फा बीटा और गामा रेडिएशन होता रहता है अपने आप, उनको बोलते हैं। कहाँ यूज करते हैं रेडियो एक्टिव तत्वों का? रेडियो एक्टिव तत्वों का उपयोग जनरली बिजली बनाने में, इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन में और एटॉमिक बॉम्ब बनाने में। जितने भी एटॉमिक बॉम्ब होते हैं वो इन्हीं से बनते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मृदा में वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है। आपको पता होगा जो पेड़ पौधे होते हैं हमारे वायुमंडल में, जो नाइट्रोजन होती है वो N2 की फॉर्म में होती है, और पेड़ पौधे नाइट्रोजन को डायरेक्ट N2 की फॉर्म में नहीं ले सकते। तो कुछ बैक्टीरिया होते हैं, इसका ऑप्शन बी है, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो इस नाइट्रोजन को, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने का काम करते हैं। तो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने का जो प्रोसेस है उसे नाइट्रोजन साइकिल बोलते हैं, नाइट्रोजन साइकिल या नाइट्रोजन चक्र बोलते हैं, ये काम करते हैं बैक्टीरिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से किसी पिंड के सतह के लिए बाहर जाने के लिए आवश्यक पलायन वेग क्या है। तो आवश्यक, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। 11th क्वेश्चन है, आरडीएक्स क्या होता है। आरडीएक्स एक विस्फोटक, आरडीएक्स का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, विस्फोटक है के जैसा काम करता है आरडीएक्स। इसका आरडीएक्स का यूज होता है जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं उन पे जो कंस्ट्रक्शन होता है उसको उड़ाने के लिए, उसको तोड़ने के लिए हम आरडीएक्स का यूज करते हैं। इसके अलावा जो आतंकवादी होते हैं वो जो बॉम्ब जो बनाते हैं, विस्फोट जो करते हैं, वो इसी की वजह से करते हैं, आरडीएक्स की हेल्प से। क्वेश्चन नंबर 12, देखिए पारितंत्र में जो है अपमार्जक, पारितंत्र में गिद्ध या चील का क्या काम, उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें कहते हैं अपमार्जक। अपमार्जक क्या होते हैं? अपमार्जक मतलब जो पारितंत्र को साफ करते हैं उनको बोलते हैं अपमार्जक, स्केवेंजर। जैसे कि आपने देखा होगा कहीं पे अगर किसी की डेड बॉडी पड़ी किसी एनिमल की, तो वहां पे देखा होगा आपने बहुत ही जल्दी वहां पे चील आ जाते हैं। तो अगर वो नहीं आएंगे तो आपने देखा होगा उस डेड बॉडी से बहुत ही गंदी स्मेल आने लगती है, जिससे हमारा एनवायरनमेंट, पर्यावरण खराब होगा। इसलिए अपमार्जक जो है पारितंत्र में जरूरी है, ठीक है। उपभोक्ता वो होते हैं जो पारितंत्र में, जैसे सभी एनिमल और हम जो है उपभोक्ता हैं।
अगला क्वेश्चन 13 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी किरणें आवेश रहित होती हैं जिन पे कोई चार्ज नहीं होता। आवेश रहित मतलब नो चार्ज, तो किन पे नहीं होता चार्ज, तो इसका ऑप्शन है बी ऑप्शन, गामा किरणों पे कोई चार्ज नहीं होता। गामा किरणें इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, हमारे सौरमंडल के किन दो ग्रहों के मध्य क्षुद्र ग्रहों की एक सूक्ष्म पट्टी है। इसका आंसर है मंगल व बृहस्पति के बीच में एक क्षुद्र ग्रहों की एक पट्टी है। अगला क्वेश्चन, संगमरमर या मार्बल का रासायनिक जो है संगठन क्या है, इसका रासायनिक नाम क्या है, तो इसका नाम है मार्बल का कैल्शियम कार्बोनेट, इसे संगमरमर भी बोलते हैं। फॉर्मूला पूछे तो CaCO3, इसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट, मार्बल का रासायनिक फॉर्मूला CaCO3। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, तो घुलनशीलता के आधार पर विटामिन दो भागों में बांटे गए हैं। इसका पहले तो मैं आपको ऑप्शन बता दूं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो घुलनशीलता के आधार पर विटामिन दो भागों में बांटे जाते हैं, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन यानी फैट में डिजॉल्व विटामिन। विटामिन बी और विटामिन सी को जल में घुलनशील बोलते हैं, विटामिन ए विटामिन डी विटामिन ई और विटामिन के, ये तीन विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन है। तो यहाँ पे देखिए क्या कोई बी और सी ऑप्शन में है, हाँ हाँ ऑप्शन में है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा रोग शांत हत्यारा या साइलेंट किलर कहा जाता है, तो शांत हत्यारा साइलेंट किलर बोलते हैं हम लोग किसको, हाइपरटेंशन को। हाइपरटेंशन धीरे धीरे इंसान को मार देता है। क्लोरोफिल में कौन सा धातु तत्व विद्यमान होता है, यहाँ पे गलत दिया हुआ इसने, इसका आंसर मैग्नीज नहीं होता, मैग्नीशियम है, गलत ये गलत है। आंसर क्या है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो क्लोरोफिल होता है उसमें मैग्नीशियम मिलता है, ठीक है। कोई पूछे क्लोरोफिल का क्या काम है, क्लोरोफिल का काम होता है जो है, क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का रंग जो है हरा होता है, और क्लोरोफिल के कारण ही पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण कर पाते हैं। और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, सौरमंडल के किस ग्रह पर माउंट एवरेस्ट से 3 गुना निक्स पर्वत जो है पाया जाता है, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, मंगल ग्रह पे जो है माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा पर्वत है, उसका नाम है निक्स ओलंपिया। उस पर्वत का नाम क्या है, निक्स ओलंपिया, और कहाँ पाया जाता है, मंगल ग्रह पे, ठीक है।